तो फिर से मैं आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और हड़ताल अवधि के दौरान जो सबसे बड़ा प्रश्न था उसके बारे में आईसीडीएस ने जो ऑफिशियल लेटर जारी किया हुआ है उसका जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूँ। उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को उन सभी सेविकाओं सहायिकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको हड़ताल अवधि के दौरान चयन मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, जब से ज्वाइनिंग का आदेश जो है संघ के द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया उसके बाद सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हुई है तो वो उन लोगों को हुई है जिनको सेविका सहायिकाओं से हड़ताल में रहने के कारण चयन मुक्त कर दिया गया है। सीधे सीधे आईसीडीएस ने इसके संबंध में लेटर पूरे बिहार के हर एक सीडीपीओ डीपीओ को जारी कर दिया है। क्लियर शब्द में कहा गया है आईसीडीएस के द्वारा कि जिन सेविकाओं सहायिकाओं को हड़ताल में चयन मुक्त किया गया है उनसे फिलहाल आगे का कोई काम नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आगे का कोई काम नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो सेविका सहायिका चयन मुक्त हो गई अब वो बड़ी संकट में फंस चुकी है। चलिए मैं आपको ऑफिशियल लेटर दिखा तो सारी चीज समझाता हूँ। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से शुरुआत में यही है कि इस वीडियो को आपने अपने आईसीडीएस ग्रुप में अभी शेयर कर दीजिए। इसलिए शेयर कर दीजिए क्योंकि जिन सेविका सहायिका बहनों को हड़ताल अवधि के दौरान चयन मुक्त किया गया था वो चयन मुक्त सेविका सहायिका कभी संघ की ओर जो है एकटक लगाकर जो उम्मीद से देख रही है कि संघ हमारी वापसी कराएगा, कभी आईसीडीएस विभाग की ओर देख रही है, कभी मुख्यमंत्री की ओर देख रही है कि कहीं ना कहीं उनकी नौकरी वापस मिलेगी और जल्द ही वो लोग काम शुरू करेंगे। पिछले 15-20 दिनों से लगातार कई कमेंट और व्हाट्सअप मैसेज से मेरा व्हाट्सअप नंबर भरा हुआ है। इतने ज़्यादा कमेंट और क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर जो हड़ताल में सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है क्या उसकी वापसी के संबंध में या उस पर आईसीडीएस ने कोई निर्णय लिया है कि नहीं लिया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको मैं आईसीडीएस के नोटिफिकेशन के साथ क्लियर बताऊंगा कि आखिर जो है जिनको चयन मुक्त किया गया उस पर आईसीडीएस ने फिलहाल क्या निर्णय लिया हुआ है। उम्मीद करूंगा फिर से कि आप अभी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल पाए। ये एक तरह से आंगनबाड़ी के इतिहास में बिहार में सबसे बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल लेटर आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पर लीड लेटर कुछ क्लियर नहीं आया हुआ है। ये एक तरह से स्क्रीनशॉट मुझे कई लोगों ने भेजा हुआ है। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया है। मैं आपको सारा चीज डिटेल में बता देता हूँ। संचिका संख्या 6794 है। लेटर जो है कल शाम को यानी 13 दिसंबर को ही जारी किया गया है। जारी करने वाले हैं आईसीडीएस के डायरेक्टर और इस लेटर को पूरे बिहार के डीपीओ को जारी किया गया है। सभी डीपीओ को जारी करके क्या बताया गया है ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया है यहाँ पर पत्र का जो विषय है, मैंने कहा है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है तो मेरी बातों पर आप विश्वास कीजिए। लिखा गया है कि हड़ताल अवधि में सेविका सहायिका की चयन मुक्ति के उपरांत रिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से टैग करके संचालित करने के संबंध में, यानी कि आईसीडीएस पटना से सीधे सीधे सभी जिलों के डीपीओ को ये निर्देश मिल चुका है कि जिन सेविकाओं सहायिकाओं को हड़ताल में रहने के कारण पिछले दिनों चयन मुक्त किया गया है उनको जो है उसके जगह पर जो केंद्र खाली है उनको नजदीक के आंगनबाड़ी केंद्र से टैग करके ही संचालित कराया जाएगा। यानी कि जो सेविका या जो सहायिका चयन मुक्त हो चुकी हैं उनके संबंध में नौकरी पर वापस आने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहुत ही दुख की बात है क्योंकि काफ़ी संघर्ष के साथ सभी लोग मिलकर के जो है हड़ताल में शामिल हुई थी लेकिन न ही संघ अभी तक इस पर वापसी करा पाया और न ही विभाग ने इस पर अभी तक क्लियर किया हुआ है। क्लियरली यहाँ पर विभाग का फिलहाल के लिए यह कहना है कि जिनको चयन मुक्त किया गया है वापसी के संबंध में निर्णय बाद में होगा या नहीं होगा वो बाद की बात होगी, लेकिन फिलहाल जो आंगनबाड़ी केंद्र पर काम नहीं हो रहा है उसको नजदीकी केंद्र से टैग करा करके काम कराया जाएगा। बहुत बड़ी कार्रवाई और खबर है। लिखा गया महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि हड़ताल अवधि में आपके जिला अंतर्गत यानी जिस जिले में जितने भी केंद्र की सेविका सहायिका को उस जिले के डीपीओ ने चयन मुक्त किया है उसके द्वारा विभिन्न सीडी बाल विकास परियोजनाओं में जिन आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका की चयन मुक्ति की गई है उनसे केंद्र संचालन संबंधी किसी भी कार्य को नहीं लिया जाए। क्लियरली यहाँ पर लिखा गया, शायद आपको
पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन आप विश्वास कीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि ललित लिखा गया है कि जिनको हड़ताल अवधि के दौरान डीपीओ द्वारा चयन मुक्त किया गया है उनसे परियोजना में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जाएगा। यानी आप लोगों ने अब क्लियरली समझ लिया कि जो चयन मुक्त हैं फिलहाल के लिए चयन मुक्त ही रहेंगी, और कब तक इनकी ज्वाइनिंग होगी, क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में मैं आगे जल्द से जल्द अपडेट लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल चयन मुक्त सेविका सहायिका से कोई काम नहीं कराया जाएगा। चयन मुक्ति के उपरांत रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से टैग कर अगले आदेश तक संचालन कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी डीपीओ लोगों को यह आदेश दिया गया है पटना से कि जो चयन मुक्त है उसको चयन मुक्त रहने दीजिए, किसी प्रकार का काम आप उनसे मत लीजिए, और उनके जगह पर जो केंद्र नहीं चल रहा है तो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र टैग कराकर आप केंद्र संचालन करवाना और सारा काम करवाना सुनिश्चित कर दीजिए। यदि किसी चयन मुक्त सेविका सहायिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र की टैगिंग या संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। अब बेचारी वो सेविका फंस चुकी है पूरी तरीके से जिनको चयन मुक्त किया गया है। संघ की ओर से आपने, मैंने कल ही बताया था कि नोटिफिकेशन आया था व्हाट्सएप में कि इनके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता होगी और निर्णय लेंगे। इसी बीच यहां पर ICDS का भी लेटर आ गया कि जो चयन मुक्त है उनको रहने दीजिए, उनसे कोई काम मत लीजिए, उनके जगह पर जो केंद्र खाली है नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से टैग कराकर अगले आदेश तक केंद्र चलाइए। जब तक वापसी होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन केंद्र उनका चलेगा। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर चयन मुक्त सेविका सहायिका किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करती हैं या फिर किसी प्रकार का जो है हंगामा होता है तो सीधे सीधे उन पर कार्रवाई की जाए। यानी ICDS विभाग ने अपना पूरा रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया हुआ है। यहाँ पर सभी चयन मुक्त सेविकाओं सहायिकाओं को जिलावार सूची यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख पा रहा ICDS के डायरेक्टर कौशल किशोर जी का सिग्नेचर और 13 दिसंबर का डेट देखने को मिल जा रहा है, 6794 इसकी ज्ञापांक संख्या है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर 1 से 2 दिनों के अंदर मैं डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर आपको मालूम चलेगा कि आखिर जिनको चयन मुक्त किया गया है वो आगे क्या कर सकती हैं, या फिर विभाग जो है आगे कब तक क्या निर्णय लेगा या मुख्यमंत्री क्या निर्णय ले सकते हैं, जो सेविका सहायिका चयन मुक्त है उनको किस प्रकार परेशान होने की जरूरत है या नहीं है। तो फाइनली बहुत दुखद खबर थी सभी सेविकाओं सहायिकाओं को जिनके चयन मुक्त किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिली होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।